इंट्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। देखो प्लांट एंड मशीनरी था कितना 30, हुआ कितना 25, मतलब 5000 का यहाँ पे घाटा हुआ। स्टॉक ऊपर कितना था 15, नीचे कितना है 7000। स्टॉक सॉरी फर्नीचर 10 था, नीचे 7000 है, मतलब 3000 का फर्नीचर में नुकसान हुआ। स्टॉक ऊपर था 15, स्टॉक नीचे है 12, तो स्टॉक में भी 3000 का नुकसान हुआ। एंड डेटर्स ऊपर था 7500, नीचे 5000, तो डेटर्स आपके कम होंगे 2500। नाउ टोटल ऑफ दिस 88 प्लस 3 11 13500 हो रहा है। एक बार देख लो 13500 हुआ ये आपका। चलो ये हो गया। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी देखो क्या बोला है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू 1 year's डिविडेंड एंड पेड इन कैश। अभी देखो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया हुआ है नोट में, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ अरियर्स में बोला है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज अरियर फॉर 3 years। नाउ अभी देखो ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, अभी यहाँ पे नया मत लेना प्रेफरेंस शेयर, ये तो पुराने पे डिविडेंड था ना। तो ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 60,000, और आपको था 8% प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो 8% होता है ना दैट इज़ अ डिविडेंड का कंपोनेंट। तो 60,000 पे 8% अगर आप करोगे तो 60,000 इंटू 8% दैट कम्स टू 4,800। एंड ये तो एक साल का होगा ना, इंटू 3 years, सो दैट कम्स टू इंटू 3 14,400। अभी देखो 14,400 का हुआ क्या, वो लोग ने बोला कि 1 year का पे कर दो और 2 years का कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो आपको बोला है इट इज़ रिड्यूस टू 1 year's डिविडेंड, मतलब एक साल का पे कर रहे हो एंड बाकी 2 साल का आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब रिड्यूस हो गया। अभी देखो दिस प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, येस और नो? येस। देखो नीचे नोट में दिया हुआ है, तो दिस इज योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी का कुछ पोर्शन आप पे करते हो, कुछ वेव ऑफ कर दे रहे। अभी देखो जो वेव ऑफ होता है उसका क्या जर्नल एंड रहेगा, देखो हम लोगों ने किया था उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा। बेटा मैंने समझाया था कि देखो वो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले भी लायबिलिटी नहीं था क्योंकि वो कंटिंजेंट में था, तो पहले भी लायबिलिटी नहीं था, अभी भी उसका कुछ नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं था अभी कुछ नहीं, उसका कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वो पहले लायबिलिटी में होता तो मेरे लायबिलिटी में दिखता था, यहाँ पे तो कहीं पे भी लायबिलिटी में नहीं दिख रहा है, सो पहले तो कुछ था नहीं, अभी भी मेरे को कुछ पे करना नहीं है तो मैं जर्नल एंट्री क्यों पास करूँ। सो ये केस के लिए नो एंट्री हो जाएगा। बट ये वाला जो देखो पे कर रहे हो ना, वी आर पेइंग योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो ये पैसा जाएगा आपका कैश बैंक से। सो सिर्फ ये 1 year का करोगे, सो 1 year का अपने को मिला था 4800, तो ये 4800 का एंट्री पास करोगे। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द एंट्री वाज पेइंग फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी? ठीक है टू कैश बैंक जाएगा, अपने पास क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों है, सो आई वुड राइट टू कैश बैंक अकाउंट, बट डेबिट बोलो क्या जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लिखती हूँ तो क्या बैलेंस शीट में कहीं पे भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड क्रेडिट में दिख रहा है? लायबिलिटी में देखो नहीं, तो अगर अभी मैं डेबिट में ऐड कर दूंगी तो डालूंगी किधर, नई बैलेंस शीट में। तो व्हेन देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ, मैंने समझाया था यू राइट एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो हुआ कैसे है, यह ना ऐसे होता है, पहले आपके पास कुछ वो लायबिलिटी नहीं था, सो जब भी लायबिलिटी पे ऑफ करने की बारी आती है तो पहले तो आपको उसको लायबिलिटी बनाना है,
तो मैं पहले लिख दूंगी प्रेफरेंस डिविडेंड, क्रेडिट कर दूंगी ना तो लाइबिलिटी बना, एंड ये मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मैं लोग अगर अरे यार ये लाइबिलिटी नहीं आएगा पर आ गया तो नुकसान, नुकसान कहाँ पे जाता है, कैपिटल डिडक्शन। सो आई वुड से कैपिटल डिडक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड जब भी पे ऑफ करती हूँ तभी प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैश कैश बैंक, ये क्रेडिट और ये डेबिट कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो नेट क्या हुआ, कैपिटल डिडक्शन टू कैश बैंक।